नमस्कार, एबीपी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं विकास भदौरिया। खबरों के सिलसिले को नए सिरे से आगे बढ़ाते हैं और बात कर लेते हैं ट्विटर की। ट्विटर ने 26 जनवरी को ट्रैक्टर रैली के दौरान हिंसा के बाद 500 से ज्यादा अकाउंट को सस्पेंड कर दिया था। सरकार की सख्ती के बाद इन अकाउंट्स को सस्पेंड किया गया है। लाल किला हिंसा के फौरन बाद भी ट्विटर ने सैकड़ों अकाउंट सस्पेंड किए थे, लेकिन बाद में उन्हें फिर से बहाल कर दिया गया था। इसके बाद सरकार ने सख्ती दिखाई तो अब ट्विटर ने अपनी नीतियों का उल्लंघन करने वाले अकाउंट्स को स्थायी रूप से सस्पेंड कर दिया है। जिन अकाउंट्स को सस्पेंड किया गया है उन पर हिंसा भड़काने का आरोप है। दिल्ली हिंसा के बाद ये कार्रवाई की गई है। स्थायी रूप से 500 से ज्यादा अकाउंट्स को ट्विटर ने सस्पेंड किया है। हिंसा और खालिस्तानी एजेंडे को बढ़ावा देने के आरोप इन ट्विटर अकाउंट्स पर लगे हैं। ट्विटर ने 500 से ज्यादा अकाउंट को सस्पेंड किया है। आपको बता दें, कल ट्विटर का एक प्रतिनिधि सरकार के पास पहुंचा था। उससे पहले सरकार ने ट्विटर को चेतावनी दी थी कि वो देश के कानून से ऊपर नहीं है, देश के कानून और संविधान से ऊपर ट्विटर नहीं है। अगर कोई हिंसा या देश के खिलाफ युद्ध में शामिल है तो उसके अकाउंट्स को आप बहाल नहीं कर सकते। इसके बाद ट्विटर ने अब ऐसे 500 से ज़्यादा अकाउंट्स को स्थायी रूप से सस्पेंड कर दिया है। सरकार की सख्ती के बाद ट्विटर अब कार्रवाई देखता नजर आ रहा है। ABP News आपको रखे आगे।